सत्र 2022-23 के लिए एसओसी क्लास 9th के कुछ डोमेन का फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ गया है और उनके सेकंड स्टेज में इंटरव्यू परफॉर्मेंस ले लिया गया। तो बच्चों ने अपना इंटरव्यू भी दे दिया, टेस्ट दे दिया, अपना परफॉर्म कर दिया। अब बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं, किन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हर डोमेन में 1:4 के रेशियो से कैंडिडेट लिए गए। लाइक अगर 1000 बच्चों का सिलेक्शन होना है तो 4000 बच्चों को लिया गया इंटरव्यू के लिए। अब बच्चे तो 1000 ही लिए जाएंगे क्योंकि सीट 1000 है, बाकी 3000 बच्चे बाहर होंगे। तो इस वीडियो के बाद आप कंफर्म आप हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या आप बाहर होंगे। अगर आपने सेकेंड स्टेज का टेस्ट या इंटरव्यू दिया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को यार लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप अपडेट रहें हमेशा। इंटरव्यू का क्या सीन होता है सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि एसओसी ने सारा परफॉर्मेंस आपको क्लियर कर दिया था, पहले ही एक परफॉर्मा दे दिया था कि भाई आपको जो सेकंड स्टेज आपका होना है वो किस किस टॉपिक पर होगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस किस तरीके से होगा। तो सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई है, राइट, पहली बात। अब टाइमिंग भी इसके लिए दे रखी है, लाइक अगर भाई 20 तारीख को रिजल्ट आ गया तो 25, 28, 30 तक इंटरव्यू चले, तो इस दौरान बच्चों के पास पूरा टाइम था तैयार होने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो ये तो आप सेट हो जाइए कि 90% बच्चे अपनी फुल तैयारी के साथ इंटरव्यू देने गए, तो यार सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। ऐसे कुछ 10% बच्चे ही होते जिन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है, बट 90% बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ सेकंड स्टेज में इंटरव्यू देने जाते हैं। अब सिलेक्शन किसका होगा वो समझिए। इंटरव्यू लगभग सबका सेम होगा, जो आपसे घर से कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है या आपको परफॉर्म करने के लिए कहा गया है तो लगभग सबका सेम होगा। अब अंतर कहाँ होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूं, साथ में सिलेक्शन किसका होगा वो इसी पर डिपेंड करेगा। आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है अंदर, तो होता क्या है कि 50-60% बच्चे घबरा जाते हैं, वो होपलेस हो जाते हैं, और घबराहट के मारे जो तैयारी करके आए हैं ना वो भी वहाँ फुस हो जाता है, वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर भी हर इंटरव्यू में ऐसे ही होता है, और यहाँ पर तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पर देखा क्या जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जिसका हाई होगा, जो घबराया ना हो, जो सख पकाया ना हो वहाँ जाके क्या पूछा गया है समझ ना आए, तो वो तो हो जाएंगे भैया रिजेक्ट। क्लियर सी बात है। अब जितनों ने कॉन्फिडेंस दिखाया होगा, जो भी आपसे पूछा गया फुल कॉन्फिडेंस में जिसका जवाब दे दिया होगा ना, उन्हीं का सिलेक्शन होगा सेकंड राउंड के लिए। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था बच्चों से कि एक बच्चे के पास ना बहुत सारे बटन, शर्ट पे बहुत सारे बटन थे, बटन बाजू पे भी, तो उससे पूछा कि आपके बाजू आपके कमीज पे शर्ट पे कितने बटन हैं। तो वो गिनता, भैया गिनने का टाइम तो है नहीं, तो उसने तपाक से कहा कि 53 बटन है, लेकिन जब गिने गए तो वो 36 निकले। तो उससे पूछा गया भैया आप तो बाहर हो गए, आपने 53 बोला बट ये तो 36 निकले। तो उसने कहा कि हाँ 36 ही थे, लेकिन मेरी दूसरी शर्ट थी जिसमें कि 53 बटन थे, वो सेम शर्ट इसी तरह की थी, तो बस सिलेक्शन हो गया। घबराया नहीं बंदा, उसने जो जवाब दिया वो एक्यूरेट था। अब सोचो भाई, इंटरव्यू लेने वाला यही तो देखता है कि उसने एक्यूरेट जवाब नहीं चाहिए, उसे चाहिए फुल कॉन्फिडेंस है या नहीं है। बाकी इसी पर आपका डिपेंड करेगा रिजल्ट। कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।